तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि कोई बच्चे हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए कुछ लोगों से बच के भाग रहे थे, और ये लोग तो इस बच्चे के पीछे ऐसे पड़े थे कि मानो आज इसे छोड़ेंगे ही नहीं। जिस पर आप इस बच्चे की ओर देखते हुए शासन किया था कि ये कोई पपेट नहीं बल्कि एक ओरिजिनल बच्ची है, इससे वास नॉर्मल ह्यूमन की तरह खुद का अपना दिमाग है। तो इधर ये मौका अपनी स्टेक से इस लड़की के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी शासन बीच में आके इसी स्टेक को पकड़ते हुए कहता है कि बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार, अगर तुम लोग मेरे नए रंग के पर्सन होते तो अभी गर्म तेल में डाल के पूरिया तलवाता। और फिर शासन अब इसे पीछे धकेलते हुए कह रहा है कि वापस लौट जाइए, बस ये अब मेरे साथ है। तो ये मौका भी सिग्नल को भेजते हुए कह रहा है कि अरविंद बाशर तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ, अब बस वेट करो, हमारे लोग क्या आते तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा होने वाला है। जिस तो शासन कह रहा है खुद को मौका कह दो और काम करते हुए जल्लादों वाले लोग फिर देखो कि आखिर असली जल्लाद क्या दिखते है। और ना कहते शासन अब बस अपने सार से इन सब कुछ जिंदा जला देता है, जिसके बाद इस मशी को लेके यहाँ से जाते हुए कह रहा है चलो छुट्टी, अब तुम बताओ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और आखिर ये लोग तुम्हारा पीछा इस तरह से क्यों कर रहे थे। तो ये बच्चे कह दी थे ये सो सीनियर ब्रदर मुझे बचाने के लिए, मेरा नाम वीवी है और मैं इस प्लेस के अंडरग्राउंड एरिया में रहती हूँ, मेरी मौत सीरियसली बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसलिए मैं यहाँ ऊपर सरफेस में अपने मामा के लिए हर्ब को ढूंढने आई थी। जिस शासन कह रहा है इस वाले सीढ़ी के अलावा अंडरग्राउंड में भी एक सीढ़ी है जहाँ तुम लोग रहते हो, क्या वहाँ के लोग भी तुम्हारी तरह ही रियल ह्यूमन है। तो ईवीएस कहती है जिस पर शासन अपने मन में कह रहा है कि ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, खुद मैं अभी अंडरग्राउंड में मौजूद हूँ सेंस नहीं कर पाया, लगता है वह अंडरग्राउंड पहुंचने के बाद ही मुझे ये सारा मामला समझ जाएगा। तब शासन ये सब सोच रहा होता है तभी एक वेपन बहुत ही फास्टली इसी की ओर ही आता है, जिसे देखते ही शासन बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए किया था कि छुप के अटैक वो भी मेरे सामने। तब यहाँ अब दो मौका पैर हो जाते जिसमें से मोटा वाला कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि इसने मेरे वज्र को इतनी आसानी से ब्रेक कर दिया, इसका मतलब ये लड़का कोई मामूली पर्सन नहीं है। तब ओल्ड मॉन्क कहता है कि यंग मैन तुम्हें कुछ तो स्किल जरूर है, लेकिन तुम हमारे तेंचुआ गॉड के ब्लेसिंग के सामने कुछ भी नहीं हो, अगर तुम खुद हमारे हवाले कर दो तो मैं वादा करता हूँ कि हमारे तेंचुआ गॉड अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर भी बनाए रखेंगे। जिस पर शासन कहता है अरे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे गॉड मेरे नारे में मेरे पैलेस के बाहर गार्ड का काम करते हैं और कुछ से तो मैं अपने जूते भी साफ करवाता हूँ, इसलिए सॉरी तुम्हारे तेंचुआ गॉड इतना क्वालिफाइड नहीं है कि मेरे ऊपर कृपा बरसा सके। तो ये मोटा कहता है दोबारा सोच लो, तुम्हारी जो कल्टीवेशन लेवल है उसकी वजह से हमारे तेंचुआ गॉड तुम्हें चीफ हेड बना सकते हैं। जिस पर शासन कहता है कहा ना मेरे मेरे सामने तुम्हारे तेंचुआ गॉड की कोई भी औकात नहीं है, हाँ अगर वो मेरी शरण में आना चाहे तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। तो ये मोटा कहता है लगता है तुम कोई जीती अड़ियल पागल पसंद जिसने आज तक पावरफुल उस फाइट नहीं किया है, ठीक है अब हम ही तुम्हें मार के अपने तेंचुआ गॉड के पास ले चलेंगे। जिस वे इतना सुनिए बच्ची यहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो शासन इसे पकड़ते हुए कह रहा है तुम्हारी वजह से इतना बवाल हुआ फिर तुम कहाँ भाग रही हो। जिस पर शासन अब इन दोनों से कह रहा है देखो मेरा छोटा भाई बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, इसलिए मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम मूर्खों को मुक्ति दे सकूं, तो अगर मरना नहीं चाहते तो चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, अगर तुम्हारे तेंचुआ गॉड में दम है तो डायरेक्ट उसे आने के लिए कहना। जिसे सुनिए दोनों बहुत ही गुस्से में अपनी औरा को अवेयर करते हुए कह रहे हैं तुम्हारी ये मजाल की हमारे तेंचुआ गॉड के बारे में ऐसा कहो। तो ओल्ड मैन भी कह रहा है हमने तुम्हें मौका इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा थी, मगर तुमने हमारे तेंचुआ गॉड के बारे में जो कहा उसके लिए अब हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। और ना कह ये दोनों भी एक साथ शासन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस शासन भी इधर से दफाओ किया दे इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, इतना ही नहीं शासन ये अटैक इनके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है इनके ऊपर भी जाके बरस जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। तब शासन अब खुद से कहता है कि अभी मुझे इन्हें एक ही करके मारने की जरूरत नहीं है, देखता हूँ अगर सस्टोन की मिलने के बाद समय मिला तो पूरा ये रिलम ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन चलो पहले इस बच्ची की माँ से मिल लेते हैं कि आखिर उसे क्या बीमारी है। और ना कि शासन यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, जिस पर शासन इस अटैक से बाहर निकलते हुए दोनों एक दूसरे से कहता है कि आखिर उसने हमें मारा क्यों नहीं। तयोल मोंग कहता है शायद ये हमारे तेंचुआ गॉड से डर गया इसलिए हमें चिंता छोड़ के भाग गया। जिस पर इतना सोचते ये दोनों बहुत ही फास्टली शासन का पीछा करते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी बात है चलो अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तयोल मोंग कहता है उस लड़के के हाथ में जो बच्ची है वो अंडरग्राउंड सी की है, अगर वो उसी हमारे हाथ लग जाए तो फिर सालों से हम जिस अंडरग्राउंड सिटी गेट को ढूंढ रहे वो भी मिल ही जाएगा, जिसके बाद हम लोग अंडरग्राउंड सिटी वालों को भी ढूंढ निकालेगा उन्हें तेंचुआ गॉड के सामने पेश कर देंगे। और अब सीन चेंज होता है, इधर हम साक्षर इस बच्ची को देखते हैं जहाँ ये बच्ची एक पोर्टल को ओपन करते हुए कह रही थी कि यही अंडरग्राउंड सिटी में जाने का रास्ता। तो साक्षर इस स्वेल से निकलने वाले एनर्जी को फील करते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो अंदर कई सारे लोग मर के ईविल बन रहे हैं, आखिर इस अंडरग्राउंड सिटी में किस टाइप का इन्वायरमेंट है। और फिर साक्षर ईवी से पूछता है कि आखिर तुम लोग छुप के क्यों रहती हो, क्या तेंचुआ तुम लोगों को यहाँ ऊपर नहीं रहने देता। तो ये बता दी मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया था कि प्लेस भी कभी अर्थ ही जैसे ही हुआ करते थे और हम लोग सभी लोग यही
पृथ्वी ऊपर खुशी खुशी रहा करते थे। मगर फिर एक दिन अचानक हमारे इस प्लेनेट में वही विल तेंचुआ आ गया। उसने अपनी पावर से सीटी मौज सारे पावरफुल लोगों को डिफीट करके सबको अपना गुलाम बना लिया और घोषणा कर दिया कि वही सबसे सुपीरियर गॉड, इसलिए सारे लोग उसी की पूजा करे। लेकिन हमारे कुछ बचे हुए एंसेस्टरों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर तेंचुआ ने हमारे सिटी के लोगों का माइंड वॉश करके उन्हें हमारे एंसेस्टरों के खिलाफ कर दिया। क्योंकि हमारे लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, इसलिए ये फाइट में डिफीट हो गए। मगर जो पावरफुल एल्डर बचे हुए थे उन्होंने हमारे सरेसर को बचाने के लिए इस सिटी के अंडरग्राउंड में एक दुनिया को क्रिएट किया चाहते हैं जो हमें ना ढूंढ सके। और इस अंडरग्राउंड सिटी में जाने के लिए जो सीक्रेट स्पेल क्रिएट किया वो कुछ इस तरह से था कि जो अंडरग्राउंड सिटी के लोग सिर्फ वही इसे ओपन कर सकते हैं। तब शासन किया था इस अमल इस प्लैनेट के जितने भी रियल ह्यूमन है वो सारे ही लोग अंडरग्राउंड में है और सिर्फ जरूरत पड़ने पर तुम लोग ऊपर आते हो। जिसपे भी कह दी नहीं, हमारे पैटिस किसी को भी ऊपर नहीं आने देते यहाँ के खतरों की वजह से। वो तो मैं शिव शिवा चली आई क्योंकि मेरी माँ को दवाइयों की सख्त जरूरत है। तब शासन अब सामने की ओर इशारा करते हुए कह दी तो फिर ये लोग यहाँ ऊपर क्यों आए है। जिसपे धर्म दे सामने ईवी के पैटिस कुछ लोगों के साथ पहुंच गए थे और ये तुरंत ही अब शासन को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। तभी अब सबको समझाते हुए कह दे कि रुक जाओ, ये कोई बुरे पर्सन नहीं है, ये सीने ब्रदर बहुत ही ज्यादा अच्छे, इन्होंने मेरी जान बचाई। जिस पर ओल्ड मैन कह दे ठीक है चलो पहले यहाँ से निकल दे, बाद में मैं आगे कहानी सुनूंगा। तभी ओल्ड मैन कितना कह दे यहाँ ये दोनों भी पहुंच जाते हैं और पहुंचते एक सिग्नल को आसमान की ओर भेजते हुए कह दे फाइनली हमने अंडरग्राउंड स्पेल को ढूंढ निकाला। जिस पर ओल्ड मैन अब शासन की ओर देखते हुए कह दे कि धूर्त कहीं के पहले बसी कुछ आगे मसीहा बंदे, उसके बाद लोग मिलके धोखा भी देते हो। अरे तुम तो एक रियल ह्यूमन लग रहे हो, तो फिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब शासन अपनी पावर से लोगों के भेजे सिग्नल को डिस्ट्रॉय कर देता है और करते हुए कह दे कि मैंने तुम लोगों को जिंदा के जाने दिया, कहीं तुम लोगों ने ये तो नहीं सोच लिया कि मैं तुम लोगों से डर गया। जिस पर ओल्ड मैन कह दे तुम डरे या नहीं डरे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने हमारी काफी ज्यादा हेल्प की है। अब बस हमारे 1000 से भी ज्यादा मॉन्कों के यहाँ आने की देरी है, उसके बाद तुम्हें कोई भी जिंदा नहीं बचा सकता। और इतना कह ये दोनों अभी यहाँ से निकलने लगते है, लेकिन तभी कोई पावर इन्हें आसमान में ही रोक लेता है जिसे ये लोग आगे हिल भी नहीं पाते हैं। तब शासन किया था कि मैं एक ही बार जिंदा रहने का मौका देता हूँ, बार बार नहीं। अब आ ही गए तो तुम लोग भी चलो अंडरग्राउंड सिटी, वहीं भी मैं तुम दोनों का इलाज करूंगा। और फिर इसी साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।